हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद प्रिया देव। तो आज हम बनाने वाले हैं इजी सा स्नैक्स, जिसे इसे फायरलेस कुकिंग भी बोला जाता है। इसको आप मोनाको बिस्किट से मैंने बनाया है एंड काफ़ी इजी है। आप इसको किटी पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक मोनाको बिस्किट लिया है, आप कोई भी सॉल्टी बिस्किट ले सकते हैं। भुजिया सेव लिया है, स्वाद अनुसार नमक, मैंने एक ऑनियन, कैप्सिकम एंड एक टमाटो लिया है। मैंने होममेड मेयोनेज लिया है एंड और लिया है टमाटो सॉस, पेपरिका, यही इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए प्रोसीजर पे जाते हैं। मैंने सारे मेयोनेज में मैंने वेजीज डाल दिए, फिर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा तीखापन के लिए पेपरिका। इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। ओके, मैंने अभी जो बिस्किट है उसको उल्टा करके मैंने सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब हम ये वेजीज रखेंगे। आप इस वेजीज में कॉर्न या फिर आपको जो भी पसंद आएगा वो सारे वेजीज रख सकते हो। बच्चों के लिए काफ़ी इजी रेसिपी है, वो खुद ही घर पे बना सकते हैं। आप ये किटी पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चटपटा बनता है ये। तो मैंने ये वेजीज ऊपर रख लिए हैं। वाओ, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है गाइस। ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे एंड मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अब लास्टली हम इसमें सेव भुजिया रख देंगे। आप कोई भी टाइप ऑफ सेव रख सकते हो। लास्टली पेपरिका, अगर तीखा चाहिए आपको पेपरिका ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर कोरिएंडर लीव्स। देखो वाव, कितना सुपर्ब लग रहा है, काफ़ी क्रंची लगता है। इसकी जगह आप कोई और भी बिस्किट जो सॉल्टी होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी, खट्टा, चटपटा लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।